परंतु इन दोनों में से मेरे मामा कौन है? अरे रे रे बहन जी, आप अब बता ही दीजिए ना कि यही है सुकर्ण के मामा। सुकर्ण, ये है तुम्हारे मामा। मामा मेरे मामा आ गए। आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? पता है, माँ प्रतिदिन आपको याद करती थी। मुझे चिप कर रोती भी थी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने लाया। ये देखो, मैं इसे अंदर रख देता हूँ। महादेव ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। सती, चलो नदी किनारे चलते हैं, पुष्प विसर्जन करने। इससे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। चलो। की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। अब मैं उसे यहां वापस नहीं आने दूंगी। मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता। परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता। आज के पश्चात महादेवी तुम्हारे भाई हैं बहन। और जब भी सुकर्ण को अपने मामा की आवश्यकता पड़ेगी उसके मामा अवश्य आएंगे। अपने आप को संभालो बहन और हमें जाने की आज्ञा दो।
महादेव, आप अपनी बहन के घर में भोजन करके नहीं जाओगे? बहन, हमारा जाना अति आवश्यक है। हम फिर कभी आएंगे। मामा को जाने दो बेटा, वो बहुत व्यस्त है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे 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 सुकर्ण, यदि मामा जाएंगे तभी तो मामी आएगी। मामी? हाँ, तुम्हारी होने वाली मामी, जिनका विवाह इनसे होने वाला है। पता है, हम उन्हें मनाने जा रहे हैं क्योंकि वो इनसे बहुत रूठी हुई है, इसलिए वो उनको मनाएंगे, फिर तुम्हारे मामा तुम्हारे मामी के साथ तुम्हारे घर आ जाएंगे, फिर तुम अपने मामी के साथ भी खेल सकोगे। समझ गए ना? तब तो मैं भी मामी को लेने चलूंगा। देखो, तुम मानते ही नहीं हो। मैंने कहा ना, वो इनसे बहुत रूठी है। और पता है, वो बहुत बड़े राजा की बेटी है और बहुत ही नकचड़ी विचित्र है। वो ऐसे किसी से भी मानने वाली नहीं, इसलिए तुम हम दोनों को वहां जाने दो, ठीक है ना? तुम ये लड्डू खा लो। ये आप रखिए। क्यों नहीं? दीदी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी चलिए ना, घर वापस चलते हैं। अब तुम्हें घर नहीं जाना है सती। सती, चलो हम उस ओर विचरण करने चलते हैं। मैं किसी मांझी को ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ, कथा कहानी से तुम्हारा कोई सारोकार नहीं होना चाहिए। ये लो अपना परिश्रम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें केवल सती को लेकर जाना है, मुझे यही किनारे पर उतार देना, किंतु सती को तुम्हें बहलाकर कैलाश पर पहुंचाना है। याद रहे, यदि सती को तनिक भी हानि पहुंची तो मैं प्रजापति को बता दूंगी कि तुम उसे लेकर गए थे, और ऐसे में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा ये तुम भली भांति जानते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कैसे भी करके उन्हें कैलाश तक पहुंचा दूंगा।
रुको। अरे अरे देवी, ये वही शिल्पकार है जिनसे आप शतवेश की मूर्ति बनवा रही है। संपूर्ण रात्रि आप इन्हीं के साथ थे, भूल गई? अच्छा 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 समझ गया। आपको ये बात देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि उस मगरमच्छ ने मेरे स्वामी की बात कैसे सुन ली। तो उसको तो सुनना ही था। संसार के सारे मगरमच्छ इनकी बात सुन सकते हैं, अर्थात मेरे स्वामी को मगरमच्छ पालने में बहुत रुचि है ना। इनके पास संसार के बहुत सारे मगरमच्छ पलते हैं, सभी की भाषा भी आती है। ऐसे ही थोड़ी महान शिल्पकार बने हैं मेरे स्वामी। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। रूठी हुई है, मामा आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। अब मान जाइए ना। पता है आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। और आप इनसे रूठकर जा रही हैं? चलिए वापस जाइए मामा के पास और उनसे कहिए कि आप उनसे विवाह करेंगी। आपको तो मानना ही पड़ेगा, मामा केवल इसलिए आए हैं। अरे अरे अरे, तुमसे भूल हो गई है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अरे आपने तो कहा था कि ये नगचड़ी है और बहुत बड़े राजा की बेटी है, यही तो है वो राजकुमारी। उत्तर प्रजापति से देने के लिए तैयार रहिएगा।
आवश्यकता थी हमारे पीछे आने की। मना किया था ना? सेवक, एक बालक से इस तरह बात नहीं करते। चलो हम सुकर्ण को उसके घर छोड़कर आते। नहीं नहीं स्वामी, मुझे तो माता को मनाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे देवी रुक जाइए, देवी रुक जाइए, रुक जाइए देवी। आपको देखकर उस बालक को भ्रम हो गया था, किंतु देवी उस बालक ने जो भी कहा वो सत्य ही है। ये बड़ी लंबी दुखद कहानी है। मेरे जटा ने किसी से भी अपनी प्रेम कहानी कहने से मना कर दिया, किंतु आपको तो सुनाना ही पड़ेगा। इसे सुनने के बाद मेरे स्वामी के प्रति आपकी असहमति अवश्य ही दूर हो जाएगी। मामा चलो ना, मामा चलो ना, मामी को मना लेते हैं, चलो। नहीं सुकर, ये कार्य सेवक बड़े अच्छे से कर लेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता। जटा को उस आदिवासी राजकुमार से बहुत गहरा प्रेम, किंतु वो उससे अप्रसन्न थी। क्यों? अहंकारी थी, राजा की पुत्री जो ठहरी, नहीं समझ पाई मेरे भोले स्वामी को। संभवतः उसे इस बात से आपत्ति थी कि कोई उसकी रक्षा संकट में करे। यदि वो पत्थर के होते क्या बार बार तेरे बुलाने पर आ जाते? कभी तेरी सहायता के लिए तो कभी तेरे माध्यम से किसी और की रक्षा करने के लिए। हाँ तो इसमें हानि ही क्या है? किसी भी युवती को दया की नहीं प्रेम की आवश्यकता होती है। जटा कदाचित अपनी दया दृष्टि से उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे होंगे। उस दृष्टि में राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। नहीं देवी नहीं, जटा का प्रेम उस कन्या के प्रति अद्वितीय है। उनकी झिझक इस बात से और थी कि क्या राजकुमारी जो इतने वैभव में पली बड़ी है जटा के अस्थिर जीवन को अपना पाएगी या नहीं। उनकी इसी दुविधा से बाहर आने से पूर्व ही उस राजकुमारी ने जटा से अपने सामने कभी नहाने का प्रण ले लिया। इससे जटा इतने उदास और आहत हो गए हैं, इसका बोध राजकुमारी की कल्पना से परे है। बस अब एक अंतिम उपकार कर दीजिए मुझ पर। आज के पश्चात मुझे किसी भी संकट से बचाने के लिए कभी मत आइएगा। यदि आप दोबारा मुझे बचाने आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। संभवतः वो अपने पिताजी के निर्णय के आगे असमर्थ थी। कदाचित उसमें अपने पिताजी के निर्णय की अवहेलना करने का साहस ही नहीं था। देवी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि उस बालक की प्रतिक्रिया उसके भ्रमित होने के कारण ही थी। आपकी और जटा की व्यथा एक ही है, एक ही है। देखिए जटा बालक को घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। मैं पिताजी से इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी, पर अब आपको चलना चाहिए। ये यहां कैसे आ गए? मैं इनके सामने सती को कैसे भेज पाऊंगी? अब आप लोगों को जाना होगा। मैं दीदी के साथ कुछ समय के लिए विचरण पर जा रही हूं।
आप कहाँ आ रहे हैं? नगर का भ्रमण कर रहा था, सोचा आपके साथ नदी पार हम भी चलते हैं। बड़े ही दुस्साहसी हैं आप, कृपया कर अपनी मर्यादा की सीमा ना लांघे। आप इस योग्य नहीं कि हमारी संगति कर सके। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं आएंगे। सती, नौका में बैठो। चलो चलो, अब हम भी प्रस्थान करते। नौ डूब रही है, नौ डूब रही है, डूब रही है नौ। स्वामी, नाव डूब गई। देवी, अब आप नदी किनारे कैसे जाएंगे? चलिए हम आपके साथ आपके भवन तक चलते हैं। निश्चिंत रहिए, हम आपसे दूर चलेंगे, आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। गोधूली बेला भी ढल चुकी है और मुझे ये शुभ लक्षण नहीं लगता। इस वीराने में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप चाहें तो प्रजापति से इसका परिवाद कर सकते हैं। शिल्पकारों से पीछा छुड़ाना होगा। कदाचित तब सती से बात कर उसे शिव के पास कैलाश जाने के लिए मना सकूंगी। अभी समय बाकी है, आप दोनों चले जाइए, हम कुछ समय पश्चात आएंगे। कहिएगा कि सूरज को मेरे स्वामी नीचे लेकर आए। मुझे बचपन से ही पानी में पत्थर मारना अच्छा लगता है। ऐसे चलिए दीदी।
मैं शिव की प्रेमिका को पुत्र वधु बनाने के लिए तैयार हूँ और आप फिर भी विवाह में विलंब कर रहे हैं। विलंब का कारण आपके पुत्र की कुरूपता है ऋषिवर। क्षमा करें ऋषिवर, आप ही ने कहा था कि हर चीज का मूल्य होता है और अब आप भूल रहे हैं कि बदले में आपको प्रजापति का आधा पद भी मिलने वाला है। आपको कदाचित आधी शर्तें याद है प्रजापति। हमारे बीच तय हुआ था कि यदि किसी भी कारणवश आप इस विवाह को अस्वीकार करते हैं तो आपको प्रजापति का पद और पूरे अधिकार मुझे देने होंगे। मैं आपको कल सूर्यास्त तक का समय देता हूं। यदि आपने सतीश और सती का विवाह कल सूर्यास्त होने तक नहीं किया तो मैं इसे आपकी अस्वीकृति समझूंगा। तत्पश्चात आपको प्रजापति का पूरा पद और पूरा अधिकार मुझे देना होगा। मेरे कर्ण आपका निर्णय सुनने के लिए आतुर रहेंगे। प्रजापति, तो संकट टल गया प्रभु। माता के सामने आपका वास्तविक रूप आते आते बच गया प्रभु। परंतु सती की दृष्टि से मेरा वास्तविक रूप हम अधिक समय तक छिपा नहीं पाएंगे नंदी। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सती शिव का आधा भाग है, मुझसे ही विभाजित हुआ अंश है वो मेरा। तुमने देखा नहीं, हमारी तो परछाई भी एक दूसरे को पहचान कर आपस में जुड़ जाती है। तो ये कैसे संभव है कि अधिक समय तक सती मुझे पहचान न पाए?